देश में ऑनलाइन ठगी कर लोगों से पैसे ऐंठने के मामलों में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। शातिरों द्वारा सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स, ऑनलाइन ट्रांसफर, लेटर आदि के माध्यम से लोगों की जेबों पर आए दिन डाका डाला जा रहा है। कुछ लोग अपनी मुस्तैदी से इन ऑनलाइन ठगी के मामलों से बच जाते हैं, लेकिन कुछ इन शातिरों का शिकार बन अपनी पूंजी लुटा बैठते हैं। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला जिला मंडी के सुंदरनगर में सामने आया है, जहां क्षेत्र के नामी सेवानिवृत्त ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जगदीश शर्मा का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर शातिरों द्वारा शहर के व्यापारी संतोष कुमार से 20,000 रुपयों की मांग की गई। वहीं संतोष कुमार द्वारा आज दिन तक ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आने के कारण अपनी मुस्तैदी से अपने आप को इन हैकरों से बचा लिया। पिछले दिनों मेरे फेसबुक मैसेंजर में एक मैसेज आया, डॉक्टर जगदीश चंद जो आजकल ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं उसके हॉस्पिटल में, वो मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं, 1,000 के करीब फ्रेंड हैं मेरे पास। तो मेरे मैसेज आया तो किसी ने मेरे को उनका मैसेज आया, हेलो हाय संतोष गुड मॉर्निंग, मेरे को 20,000 रुपये की ज़रूरत है, मेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं थोड़ा सा अवेयर था इस बारे में, क्योंकि मुझे पालन में आजकल ऑनलाइन ठगी वगैरह काफ़ी चल रही है। तो मैंने पहले उससे बात करी और उसने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे मैं बंद हो गया है, चलो चलो मेरे को भी एक्सीडेंट हुआ है मेरे दोस्त का, मैंने बोला कि एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें जमा करवाओ 20,000 रुपये अकाउंट में। फिर मैंने उससे बात करी, मैंने उसने उसे मेरे को हॉस्पिटल की फ़ोटो भेजी, ऐसा वैसा आईसीयू में हूँ, बंद कर रहा हूँ, वो तो ऐसा है, पैसे 20,000 भेज दो। तो मैंने उसको बंद कर दिया। फिर मैंने उसके बाद मैंने डॉक्टर जेसी शर्मा को फ़ोन लगाया और उनसे बात की मैंने, और उसके बारे में सब कुछ उनको बताया कि ऐसे ऐसे आपकी फेसबुक हैक कर दिया और उससे मैसेज आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है ऐसा वैसा। उज्जवल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।